भाई और बहनों, भाजपा की अगुवाई में एक स्थिर और मजबूत सरकार का दोबारा बनना यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि झारखंड के लिए ये समय बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे परिवार में बच्चों के जीवन में आता है। 19-20 साल की उम्र में ही परिवार में बच्चों का भविष्य तय हो जाता है। झारखंड राज्य भी युवा अवस्था में है। इस दौरान यहां जो दिशा मिलेगी उसका झारखंड के भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। बीते 5 वर्ष में दिल्ली और रांची के डबल इंजन ने झारखंड के विकास को जो गति दी है उसे बनाए रखने की जरूरत है। बीते 5 वर्षों में यहां की भाजपा सरकार ने नए झारखंड के लिए सामाजिक न्याय के 5 सूत्रों पर काम किया है। पहला सूत्र है स्थिरता, दूसरा सूत्र है सुशासन, तीसरा सूत्र है समृद्धि, चौथा सूत्र है सम्मान और 5वां सूत्र है सुरक्षा। साथियों, भाजपा ने झारखंड को एक स्थिर सरकार दी है। भाजपा ने झारखंड में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए दिन रात काम किया है, पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई है। भाजपा ने झारखंड को लूटने से बचाया है, यहां समृद्धि का मार्ग खोला है। भाजपा ने झारखंड के हर समाज के हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक दिलाया है, उसका गौरव बढ़ाया। भाजपा ने झारखंड को नक्सलवाद और अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए भय मुक्त वातावरण के लिए प्रयास किया है। भाइयों और बहनों, आप याद कीजिए 5 वर्ष पहले झारखंड में क्या स्थिति थी। अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, सब कुछ चरम पर था। यहां पलामू में तो कई इलाकों में शाम 6 बजे को ही जीवन थम जाता था। शाम ढलने के बाद रांची से पलामू आना जाना बंद हो जाता था। अगर कभी मजबूरी पड़ जाती तो परिवार पूरी रात प्रार्थना और इंतजार में बिताता था। लेकिन आज यहां स्थिति करीब करीब सामान्य हो रही है। आज रात भर लोग सामान्य आवागमन कर रहे हैं। पलामू के जीवन में इससे बड़ा बदलाव आया है।